बनाते हैं। दिख रही है ना एकदम बहुत टेस्टी और मसालेदार अलग अलग मूंगफली। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसाला मूंगफली की या टेस्टी मूंगफली की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। हम इसे बिना राइस फ्लावर और बिना सोडा के बनाकर तैयार करेंगे और मैं आज आपको बताऊंगी कि बिना राइस फ्लावर और बिना सोडा के भी मूंगफली कैसे अलग अलग बनाई जा सकती है और क्रिस्पी बनाई जा सकती है। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो मसाला मूंगफली बनाने के लिए मैंने लिया है बेसन, ये 3 से 4 चम्मच बेसन है, पूरा हम यूज नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और एक बोल मूंगफली ली है, मूंगफली है इसको मैंने रोस्ट नहीं किया है और इसे रोस्ट करना भी नहीं है क्योंकि हम फ्राई करेंगे, तो रोस्टेड मूंगफली हम फ्राई करेंगे तो वो टेस्ट अच्छा नहीं देगी। 1 चम्मच चाट मसाला छोटी चम्मच से, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च आधे चम्मच ली है मैंने, 1/4 चम्मच काला नमक, पानी, आधे चम्मच हल्दी पाउडर और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे, इसमें मूंगफली डाल देंगे, नमक डाल देंगे और हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा पानी डाल देंगे, बिल्कुल जरा सा पानी डालना है हमें, जिससे मूंगफली थोड़ा सा फूल जाए और नमक मूंगफली के अंदर चला जाए। इसमें लगभग मैंने 2 चम्मच पानी डाला होगा इस चम्मच से। अब ऐसी मूंगफली हमें भिगो के 5 मिनट के लिए रख देना है। मूंगफली को रखे हुए 5 मिनट हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन मिलाएंगे। हमें धीरे धीरे बेसन मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके। इसमें मैं लगभग स्टार्टिंग में 1.5 चम्मच करीब बेसन मिला रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा बेसन और मिलाएंगे। मैं इसमें बेकिंग सोडा या राइस फ्लावर नहीं मिला रही हूँ, और राइस फ्लावर डालने से ये क्रिस्पी तो बनेगा लेकिन इसके टेस्ट में चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं राइस फ्लावर नहीं डाल रही हूँ। आप इस ट्रिक से इसे बनाएंगे तो आपको ना राइस फ्लावर की जरूरत पड़ेगी और ना आपको सोडा डालने की जरूरत पड़ेगी। इसमें लगभग मैंने 3 चम्मच बेसन डाल दिया है, अभी मैं थोड़ा सा बेसन और डालूंगी इसमें। मूंगफली में बेसन मैंने मिक्स कर दिया है, अब हम इसे ऐसे ही 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम तेल गर्म होने के लिए रख देंगे गैस पे। यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, टूथपिक की हेल्प से हम ऑयल चेक कर लेते हैं। बबल्स आने लगे हैं, मतलब ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम मूंगफली में थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे लास्ट में। हमने इसमें सूखा बेसन इसलिए मिलाया है क्योंकि पानी होने के कारण, मॉइस्चर होने के कारण ये चिपक गई थी। अब हम सेकते टाइम पे इसमें थोड़ा सा सूखा बेसन मिला देंगे, जिससे ये एकदम अलग अलग हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सारी मूंगफलियां अलग अलग हो गई हैं। अब हम इसे सेक लेते हैं। गैस हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखनी है। आप हाथ से या चम्मच की हेल्प से मूंगफलियां तलने के लिए डाल सकते हैं। अब हम मूंगफलियों को पलट पलट के सेकेंगे। देख सकते हैं कि मूंगफली के ऊपर अच्छे से बेसन लग गया है और हमें चावल का आटा या सोडा डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब मूंगफली स्टार्टिंग में गीली हो जाएगी, क्योंकि नमक डालने की वजह से बेसन गीला हो जाएगा, तो लास्ट में आप एकदम जब आपका सेकने का टाइम हो तो आप उसमें थोड़ा सा सूखा बेसन मिला लीजिए, जिससे जो आपका मसाला मूंगफली है वो अलग अलग हो जाएगा और कढ़ाई में भी नहीं चिपकेगा। आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में भी मूंगफली बिल्कुल नहीं चिपकी और एक एक दाना अलग अलग है। मूंगफली हमारी सिक चुकी है, हम गैस बंद कर देंगे और सारी मूंगफलियां निकाल लेंगे एक बोल में। मूंगफली सिक्के तैयार हो गई हैं, अब हम इसमें थोड़ी से मसाले मिलाएंगे। हम इसमें सबसे पहले मिलाएंगे काला नमक, हमें ये गर्म में ही मिलाना है जिससे मसाला मूंगफली के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला, अब इन तीनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने
मैंने अमचूर पाउडर इसलिए नहीं डाला क्योंकि चाट मसाला भी हल्का सा खट्टा होता है, तो अमचूर पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें हमें। तो लीजिए, हमारी मसाला मूंगफली बनकर तैयार है। मुझे टोटल टाइम मूंगफली बनाने में 15 से 20 मिनट का लगा है। आप इसे एक एयरटाइट जार में बंद करके रख सकते हैं। आपको इतना याद रखना है कि जैसे ही आप मूंगफली तलने वाले हो तो उसके पहले आप थोड़ा सा सूखा बेसन मिला दीजिए, जिससे मूंगफली एकदम अलग अलग हो जाए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।